हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आज आ रहे हैं उत्तराखंड का वो प्रोग्राम शूट करने जो आज होने वाला है यहाँ पर पालम के अंदर। और मैं पहुँच गया हूँ इंदिरा पार्क के अंदर, जहाँ पालम काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है जो उत्तराखंड के साथ में काफ़ी लोग करने वाले हैं, जिसमें आने वाले हैं काफ़ी कलाकार। तो अगर आप मेरे ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिखाते हैं आज कैसा हो रहा है यहाँ का प्रोग्राम। तो हम पहुँचते हैं पालम के अंदर और दिखाते हैं जहाँ ये प्रोग्राम होने वाला है। तो चलते हैं, दिखाते हैं किस प्रकार से। क्षेत्रवासी यहाँ पर खड़े हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं काफ़ी बातें चल रही है। और हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ कैसा होता है प्रोग्राम। भी यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, बन ही यहाँ लोग बैठे हुए हैं। माता बहने तो ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियाँ खड़ी हैं, छोटी छोटी लड़कियाँ। आप इसमें अभी डांस किया हुआ शायद मुझे लगता है। तो अभी काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं उत्तराखंड के वासी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। और ट्रेडिशनल ड्रेस में लड़कियाँ ने काफ़ी अच्छा डांस किया हुआ, अभी देखेंगे काफ़ी अच्छी कैप्चर करने वाले हम। और अभी करते हैं लोगों से बात, काफ़ी शानदार यहाँ बेहतर तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि लोगों से दिखा रहा हूँ किस प्रकार से यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, जो संचार है आज गढ़वाली कुमारी जल सारी यहाँ पर लोग आए हैं, सारे लोग मिलकर यहाँ करें। और यहाँ पर सब ट्रेडिशनल ड्रेस शायद कोई देखिए किस प्रकार से लगता है किस संस्था से जुड़े हुए हैं लोग, इस प्रकार से इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के इन्होंने पूरा कार्य कर रखा है। आज सबके लोग यहाँ पर ड्रेस में बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरह से ड्रेस में बैठे तो काफ़ी शानदार है। अभी और भी कैप्चर करते हैं लोगों से देखते हैं। और यहाँ देखा जा रहा है किस प्रकार से सारी लेडीज से शानदार एक यूनिफॉर्म में, जैसे कहते हैं लोगों को यूनिफॉर्म मिलती है, उस तरह से यूनिफॉर्म में बैठे सारे सारे। तो अभी ये कौन सा आपका वो है जिसके अकॉर्डिंग आप बैठे यहाँ पर, क्या मतलब कौन सा संस्था है, कौन सी संस्था है जिससे आप ये बैठे हैं, कौन सी संस्था से जुड़े हैं आप? पूरी दिल्ली के अंदर में महिला कल्याण समिति, तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफी अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया है। थोड़ा एक बात करेंगे, थोड़ा आवाज तेज साउंड जाना है, अच्छा सुनाई भी दे रहा हूँ। तो मैं सबसे पूछना सी बात नहीं, यहाँ पर सारी तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम महिलाएं बना रखा है, परिवार बना रखा है, काफी अच्छा लगता है। इसी प्रकार से लोग यहाँ जुड़ते हैं और शानदार चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं, एक एक करके सबको बारीकी से। और आप चाहते हैं कि हमारी चीज़ को देखना चाहते तो काफ़ी अच्छा लगता है। एनवायरमेंट एकदम प्यारा शानदार है, कोई मंदिर के अंदर ये प्रोग्राम किया गया हुआ है, मंदिर के अंदर पूजा की जा रही है। और अच्छा लगता है कि जब भगवान के साथ आस्था भावना, बहुत ही प्रमाण है जोशी जी, लगे रहते हैं। और दीपू मैं देता हूं बोलूंगा कि आगे का प्रोग्राम तभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बैठी हुई लड़कियाँ, जरा बात करेंगे इनसे। तो जरा पकड़ोगे भाई, अच्छा आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, कहाँ की ड्रेस है बताइए? उत्तराखंड किस जगह की? उत्तराखंड किस जगह की? उत्तराखंड की तो किस जगह की? उत्तराखंड आप कहाँ के रहने वाले हो? पौड़ी। पौड़ी में क्या सबसे बेस्ट है, आपको क्या बेस्ट लगता है पौड़ी में? है कल्चर, कौन सा कल्चर अच्छा लगता है आपको? कल्चर तो है, अब कल्चर आपने बोलते कल्चर, कल्चर में कौन सा कल्चर? अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया, तो कल्चर क्या हुआ, कल्चर कैसे कहते हैं वहाँ के रहन सहन को, वहाँ का पहनने को, सबको कल्चर कहा जाता है। और वहाँ की भाषा को कल्चर कहा जाता है कि नहीं? ये नहीं कि हमने खाना खा लिया रात को सिसोड़ा सा आकर रोड़े लिए, वो नहीं होना ये ठीक ना। ट्रेडिशनल ड्रेस आपने पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसी आप ड्रेस पहने अच्छे लगते हैं। तो उसके आप छोटी सी गुड़िया कर दोगे, आपका नाम क्या है पहले तो? सिस्टर कहाँ के रहने वाली आप? पौड़ी। पौड़ी की क्या सब ज़्यादा मशहूर क्या चीज़ है, सब ज़्यादा मशहूर क्या चीज़ है पौड़ी में? सब कुछ ही मशहूर है। मशहूर एक चीज़ बताओ जो आपको सबसे बेस्ट लगती हो। काफल। काफल तो सभी खाते हैं, आपको क्या बेस्ट, सबको सवाल ही करो, यूनिक चीज़ बताओ कोई सबसे हटके। अरसे। अरसे तो वैसे वैसे ज़्यादा मशहूर है। आपने कभी बेड़ू खाया है? हाँ, कैसा लगता है? बहुत मस्त है। अच्छा अब और पौड़ी में आपने क्या चीज़ सबसे बेस्ट, और भी बताइए क्या चीज़ बेस्ट लगती है आपको? और बेस्ट तो
सभी कुछ है वहाँ। सभी कुछ कुछ ऐसी जगह जो देवभूमि स्थान आपको कुछ पता है, बता सकते हैं मुझे? कोई देवभूमि जानते हैं? तिमुल। क्या तिमुल क्या होता है? तिमुल की लकड़ी होती है। तिमुल का क्या होता है? फल होता है? नहीं, फल होता है छोटा सा, उसको अच्छा। ना खाते हैं, फोड़ के खाते हैं, ऐसे सीधे गप से खा लेते हैं, फोड़ के खाते हैं। आम की तरह तो नहीं खाते, गप गप गए हैं तो आराम से खाते हैं, बड़े मजे से। अच्छा एक बार छोटी गुड़िया को और दे दो। गुड़िया आपका नाम क्या है? पानी। अच्छा मैं सोच पानी मांग रही लड़की, तो पानी लेके आओ। तो माही कैसी है आप, कैसा लग रहा है आपको? कहाँ पहुँच गए अभी आप? कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँचे? उत्तराखंड में। क्योंकि जब यहाँ हम पहुँच जाते हैं तो हम उत्तराखंड में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम पहाड़ में हैं, सीधे चलो, क्योंकि हम प्रोग्राम ज़्यादातर हम पहाड़ों में ही करते हैं। तो कैसा लग रहा है अभी आपको पहाड़? अच्छा लग रहा है। तो सबसे बेस्ट क्या चीज़ लगी आपको यहाँ पे? सारी चीज़ में क्या चीज़ एक चीज़ बेस्ट बताइए कि यहाँ के सब लोग आ रखे हैं, यही सबसे बेस्ट मिली है कि सब एक परिवार की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, आपने नाथ में क्या बनाई है पहले बताइए? कौन सी नथ है ये? गढ़वाली नथ है, कुमाऊनी नथ है? हाँ कुमाऊनी नथ है। अच्छा इसमें क्या बना हुआ है आपने पहना, तो इसमें बना क्या, क्या चित्र क्या बनाया? मोर बनाया। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा, है ना? तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी शान चीज़ है पक्षी है, आपने काफ़ी अच्छा बताया। आप मुझे माइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छी चीज़ बताई। ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने क्या पहना है। तो यहाँ पर काफ़ी हैं जो लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर माता बहनें बैठी है तो आपको सारी चीज़ दिखाया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं संस्कृति से जुड़े भी हैं और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे और उनसे बातें करेंगे, कैसे क्या बताते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? सबसे पहले बात नाम बताओ, पकड़ो जरा। क्या पराठे? मैं भी खा के आऊँ पराठे यार, अल्लाह अल्लाह खेबे और भी पराठे। हाँ अब बोलो प्राची, तेज क्यों बोले यार, थोड़ा सा एनर्जी लाओ यार, पहाड़ में एनर्जी नहीं रहेगी। अब लगता है रोड भात निकला है तो बोल, खाया सो नहीं खाए तो बोल, क्या खेबे यार। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ आप सबको बेस्ट क्या लग रहा है अभी आपको यहाँ? किसका? मेरे को तो लगता है यहाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। कोई नहीं बोल रहा, ताली बजाई किसी ने? कितनों ने बजाई? सब ने बजाई। अच्छा उस गुड़िया को भी दे दें। आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। कहाँ रहते हो आप? वो तो मुझे पता नहीं, उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं आप? उत्तराखंड कहाँ रहते हैं आप? चमोली। अच्छा चमोली में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? केदारनाथ। कभी गए हो? पापा से बोलो लेके चलो है घुमाने। तो अच्छा ये बताओ आपने गले में क्या पहन रखा है ये बताओ? तो गले कान में क्यों नहीं पहना सही सा? उत्तराखंड क्यों नहीं पहना? गलो है। चलो अच्छे बढ़िया गलो में सर। ये डर रहे, क्या बात है, क्या बात है। ये लड़की तो बड़ी स्मार्ट सी लग रही है, सबसे स्मार्ट है सबसे है। वैसे सभी स्मार्ट हो ऐसे, गुड़िया सारी गुड़िया। तो गुड़िया आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा देते हो सबको शिक्षा? ये नहीं देते शिक्षा। तो कैसा लग रहा है अभी आपको यहाँ पर? तो अभी कौन किसका गाना चल रहा है अभी यहाँ पे? ये कौन गाने वाले गाना है? और कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठे हो आप? काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो बैठे हैं आज हमारे बीच, शगुन और निहाल यहाँ पे बीच आई है। तो ऐसे ही अच्छा लगता है जैसे, और उत्तराखंड के शान और आन पान हमारे बीच में है और गायक आज गाने गाने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन। और मैं सभी लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ जो महिला मंडल से जुड़ी पड़ी है, काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये माहौल बार बार नहीं मिलेगा, ऐसे उत्तराखंड लोग यहाँ बार बार नहीं आएंगे। ये बारिश बार बार नहीं होगी, ये साल में एक बार हो जाएगी कभी अभी, है कि नहीं? तो कभी आप लोगों से मैं बात करूँगा जब मैंने गाना इस बार सुन लीजिए, ये सबसे बात करते हैं। वेगे राजी की डोली Thank you.
Oh,
अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।